तो कई बार ऐसा होता है कि आप लोग वाईफाई और हॉटस्पॉट दोनों को एक साथ ऑन करना चाहते हैं, तो कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि आप लोग वाईफाई और हॉटस्पॉट दोनों को एक साथ ऑन भी कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी से वाईफाई ले रहे हैं और आप उसी का वाईफाई को किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, अपना हॉटस्पॉट ऑन कर दीजिए, आप वाईफाई लेके किसी और को शेयर कर रहे हैं। तो आज मैं आपको बताने जाऊँ कि आप लोग कैसे सैमसंग का फोन में वाईफाई और हॉटस्पॉट दोनों को ऑन कर सकते हैं एक साथ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ से वाईफाई मेरा ऑन है, और अगर अभी मैं यहाँ से हॉटस्पॉट को ऑन करूँ तो आप लोग देख सकते हैं एक नोटिफिकेशन आता है टर्न ऑफ वाईफाई, तभी ये ऑन होगा। तो आपको दोनों को ऑन करने के लिए क्या करना होगा, आपको सबसे पहले जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ से जाना है कनेक्शन में, और कनेक्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा मोबाइल हॉटस्पॉट का, आपको इसमें जाना है। और फिर आप लोग देख सकते हैं हाँ मोबाइल हॉटस्पॉट सबसे ऊपर में, आपको इस पर क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ से कॉन्फ़िगर में जाना है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ कॉन्फ़िगर पे क्लिक करना है और फिर आपका यहाँ वाईफाई का नेम शो करेगा, पासवर्ड शो करेगा, और यहाँ पे एडवांस का ऑप्शन है, आपको इसे ड्रॉप डाउन करना है। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपको शो कर रहा है कि वाईफाई शेयरिंग, तो आपको बस इस ऑप्शन को ऑन कर देना है। तो आप लोग देख सकते हैं टर्न ऑन वाईफाई शेयरिंग, जिससे कि आप किसी के वाईफाई को शेयर कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं अब मैंने यहाँ से वाईफाई शेयरिंग को ऑन कर दिया और फिर मुझे बस सेव कर देना है। और सेव करने के बाद आप लोग देख सकते हैं पहले तो मुझे नोटिफिकेशन आ रहा था कि आप लोग वाईफाई हॉटस्पॉट को एक साथ ऑन नहीं कर सकते, लेकिन अगर मैं अभी यहाँ से ऑन करूँ तो आप लोग देख सकते हैं ये ऑन हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि मेरा हॉटस्पॉट ऑन हो चुका है और मेरा वाईफाई भी यहाँ से ऑन है। तो मैं किसी का वाईफाई से कनेक्ट करके और किसी को दूसरे हॉटस्पॉट से किसी और को नेट दे सकता हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप लोग भी जाइए और वाईफाई शेयरिंग को अपने फ़ोन में ऑन कर लीजिए, आप भी फिर वाईफाई और हॉटस्पॉट दोनों को एक साथ ऑन कर सकेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने सैमसंग के दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सैमसंग से रिलेटेड और भी वीडियो देखना चाहोगे तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करिए, मैं सैमसंग पर और भी वीडियो बना दूँगा।